हेलो गाइस, आप देख रहे हो मेरे भैया रजन प्लग के चैनल पे। तो मेरे भैया जो है उनको थोड़ा बहुत काम है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा बिजी है अपने काम में। तो आज की वीडियो का जरूर उठाया मैंने। तो आज मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूँ मैगी की रेसिपी शेयर। चलिए भैया अपनी मैगी इवेंट करते हैं हम स्टार्ट। अब मैं अपनी मैगी चेक करता हूँ क्रश पर। पहले तो मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स अपने ले लिए हैं। सबसे पहले हम अपनी मैगी करते हैं अच्छे से क्रश। अब आप सोच रहे होंगे मैं मैगी को पहले क्रश क्यों कर रहा हूँ, मैं तो विदाउट क्रश करता हूँ। लेकिन भाई मैगी क्रश करने का अच्छा तरीका होता है, इससे मैगी काफ़ी जल्दी भी बॉयल हो जाती है आपकी। तो इसलिए मैं मैगी को पहले कर रहा हूँ क्रश और हम करते हैं इसको कट। भाई हमें इसके अंदर मिला एक मैगी मसाला, सबको पता हो। तो और हमारी मैगी अच्छे से क्रश। तो हम अपने करते हैं पहले फ्लेम ऑन। और मुझे इस फ्लेम से बहुत डर लगता है, एकदम होती है। अरे हमारा वाटर, और अच्छे से होने देते पानी को पहले तो बॉईल, और उसके बाद हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स धीरे धीरे करके हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं। भाई मेरा पानी अच्छे से हो चुका है बॉईल, हम करने वाले इसके अंदर अपनी मैगी ऐड। भाई हमने अपनी मैगी कर दी है इसके अंदर ऐड, और उसको करेंगे अच्छे से। भाई इसमें हो रही है हमारी मैगी अच्छे से बॉईल, और जब ये हमारे से अच्छे से बॉईल हो जाएंगे तो हम इसके अंदर करेंगे मसाले वगैरह ऐड। भाई ये सबसे पहले मैं करता हूँ मैगी मसाला, सभी लोग खाते होंगे भैया से। जो जो खाता है भाई कमेंट करके बताना कि कौन कौन मैगी मसाले से खाता है। हमने अच्छे से मैगी मसाला अपने इसके अंदर ऐड कर लिया है, और उसको मैगी मसाले के बाद हम और सब्जियाँ नहीं मतलब और वैसे ऐड करेंगे मसाले भी। हम इसे मैगी मसाला डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा कलर अच्छे से आ जाए। उसके बाद ही हम बाकी करेंगे मसाले वगैरह ऐड, और मसाले वगैरह ऐड कर लेंगे जब इसके अंदर, फिर थोड़ी देर इसको पकने देंगे, और उसके बाद नॉर्मल हमारी मैगी बन के हो जाएगी रेडी। मैंने गलती से सब्जी बोल दिया, मैं हम सब्जी ऐड करने वाले नहीं, क्योंकि मेरे को सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं मैगी के अंदर। मेरे भैया को पसंद है लेकिन मैं बनाता नहीं सब्जी वाली। और हमारी मैगी अच्छे से हो चुकी है भाई, और उसके अंदर करेंगे अच्छे से मसाले वगैरह ऐड अपने। सबसे पहले हम करने वाले हैं हल्दी कलर के हिसाब से। भाई कोई जो करना है ज़्यादा कलर के लिए तो कर लेंगे, मैं तो ज़्यादा कलर के लिए करूँगा नहीं, क्योंकि हमारा थोड़ा बहुत कलर तो मैगी मसाले में आ जाता है। और करने वाले स्वाद अनुसार नमक। भाई जिसको जितना डालना हो उतना डालना, मैं तो अपने हिसाब से डाल दूँगा। हम करेंगे लाल मिर्च, मैं तो इसका अच्छे दाना ना, क्योंकि मेरी तो फेवरेट है, क्योंकि मैं स्पाइसी ही खाता हूँ। तो मैं लाल मिर्च अच्छे डालने वाला हूँ इसके अंदर। हमारी मैगी हो चुकी है अच्छे से रेडी, और उसको करते हैं फ्लेम को ऑफ, और उसको मैगी कर लेते हैं नीचे की तरफ करते हैं भाई। और मैं इसके अंदर करने वाला हूँ उसको सर्व प्लेट में अपनी। मेरे नीचे जम चुकी है थोड़ी बहुत, थोड़ी पानी की कमी हो गई थी भाई, तो इसलिए जम गई थी। अब इसको को मैं निकाल रहा हूँ उसके अंदर, और उसके बाद मैं आपको रिव्यू टेस्ट दूंगा, क्योंकि भैया तो अपने काम में आपको पता भी इजी है, मैंने बताया था। तो इसलिए भैया तो आज रिव्यू टेस्ट दे नहीं सकते, तो मेरे को ही देना पड़ेगा भाई। मेरी अच्छे से मैगी बन चुकी है, आपने देखा कि मैंने कैसे सर्व करी इसको। अब मैं इसको करता हूँ अच्छे से टेस्ट। भाई अभी बहुत गर्म हो गया, मैं इसको मिक्स करता हूँ ताकि ठंडी हो जाए काफ़ी। अब मैं इसको खाता हूँ, रिव्यू देते हैं आपको। भाई सही में बहुत अच्छी लग रहा है। भाई मैगी किस किस को पसंद नहीं है, सबको पसंद है, इसलिए मैंने आज मैगी की रेसिपी बनाई है। तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। चलिए भाई इसी वीडियो के करते हैं हम यहीं पे एंड।